आज तक का सीडीएस की हिस्ट्री में किसी ने आपको ये दिखाया नहीं होगा कि कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे मिल चुका है ये। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने तब ये नॉवल ली थी और मुझे तब ये मिला था 2015 सेकंड में, और 2019 के सेकंड वाले में ये PQRS और कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया, S1 S6 वाले और कॉम्प्रिहेंशन में। तो आपको इस नॉवल के पीछे भागना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। मेहनत आपने ही करनी है। दोबारा आप अगर ये सोचेंगे ना कि अगर मैं ये नॉवल का नाम बता दूं आपको, आप इससे निकाल लेंगे, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको नॉवल में इंटरेस्ट खुद ही बनाना पड़ेगा, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, डीडी न्यूज़ की न्यूज़ सुननी पड़ेगी, बच्चों की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो तुम आपको अच्छी लगती है इंग्लिश की। ये बहुत प्यारी नॉवल है जिम कॉर्बेट की, द फॉर्चुनेट टाइगर एंड अदर क्लोज एनकाउंटर्स, बहुत बढ़िया नॉवल। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था प्रिपरेशन दिल्ली में, तो मैंने ये बुक ली थी 50 रुपए की दिल्ली इंटरनेशनल बुक फेयर से। बहुत ही बढ़िया नॉवल, और ये मैं बस अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहा था। मेरे को पता नहीं था कि इससे एग्जाम में आया है, पर लेकिन मेरे को पता चला जब मैंने एग्जाम दिया ना, तो ये वाली लाइन आई। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मैं कम से कम जिस संडे के दिन घूमने गया था और मैं बुक फेयर में घूमने गया, मुझे बुक मिली, मैंने ली और ये एग्जाम में आया है ना। तो आपको करना कैसे, आप दो चीज सीखते हैं। पहला ये कि प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए न्यूज़पेपर में, नोवेल में, डीडी न्यूज़, इंग्लिश सुनने में, न्यूज़ सुबह और शाम में या कोई भी न्यूज़ चैनल सुनने में, और इंग्लिश मूवीज या सीरीज देखने में, और इंग्लिश सीखने के पर्पज से, ये नहीं कि बस आप मजे के लिए देख रहे हैं, है ना। और दूसरा आपका फोकस होना चाहिए कि किसी कोचिंग इंडस्ट्री के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे कभी। अगर वो आपको नोट्स दे देंगे, मान लीजिए 30-30 हज़ार की कोचिंग लोग ले रहे हैं बाहर, आपको काफी 10 बुक दे देंगे, आप कहेंगे मस्त नोट्स मिल गए निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है। वो गया टाइम जब वो लोग अपने नोट्स देते थे, वो सेम मटेरियल उनके पास कितने साल पुराना है। आप अपने आप को अपग्रेड करिए, नोवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट लाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली एडिटोरियल पढ़िए। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी एडिटोरियल जोर जोर से पढ़िए, और जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है वो एडिटोरियल अच्छे से पढ़िए, उसके साथ साथ लिंक भी करिए करंट को, है ना। आज तक का मेरे को लगता नहीं किसी ने ये बताया एक्सपीरियंस को, पता भी होगा बहुत लोगों को आते ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। ये देख लीजिए आप, सबूत आपके सामने है, 2019 में भी पूछे, 15 में पूछे, शायद पहले भी पूछा हो या बाद में आगे भी पूछे। तो ये है, अब आपको पता चला होगा कॉम्प्रिहेंशन है, PQRS है, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी है जैसे क्लोज टेस्ट है, यहीं से आते हैं यार, है ना, नोवेल से और क्वेश्चन पेपर से, सॉरी न्यूज़पेपर से। इसीलिए एडिटोरियल से भी एक पूछा हुआ है, मैंने एक बार एग्जाम दिया था एडिटोरियल, मेरे को याद है एडिटोरियल का ही क्वेश्चन था वो। तो आप लोग फोकस अपना मेन उस पर रखिए, और आप लोग को बहुत ये नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, मॉक अटेम्प्ट करने का जरिया तो जरिया है मेरा इंस्टाग्राम पेज। मैं डेली 8 से 10 क्वेश्चन पूछता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDS NDA और CAPF के, और वहां पे मैं बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। मैं आपको सोर्स भी दिखाता हूँ, अगर ज्योग्राफी की बुक से है तो मैं ज्योग्राफी दिखाऊंगा, अगर वो मेरे नोट्स है तो मैंने नोट्स भी दिखाऊंगा। और मैंने इंडिया में सबसे सस्ते नोट्स दे रहा हूँ, मैं 499 में सारे के सारे नोट्स आज तक का किसी ने नहीं दिए होंगे, और इतने क्वालिटी मटेरियल्स वो हैं। आज तक किसी जिसने भी मेरे लिए हैं, 100 200 प्लस ले चुके हैं लोग मुझसे, और एक ने भी बोला नहीं है कि नोट्स की क्वालिटी बेकार है, फिर कुछ कहीं कहीं पे स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो वो पूछते हैं मुझसे, क्योंकि वो नोट्स मैंने अपने अपने पढ़ने के लिए बनाए, बेचने के लिए नहीं या किसी की हेल्प करने के लिए नहीं। तो बस वो है, बाकी मैंने बुक्स भी, 11th की बुक भी है ज्योग्राफी वाली, जो फिजिकल फंडामेंटल दोनों वो भी दी हुई है। तो मेन पर्पज ही मेरा कहने का है कि आप रिटर्न एग्जाम निकाल सकते हैं आराम से, बस ऐसा है कि आपके अंदर एक लॉ होनी चाहिए पढ़ने की, है ना, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।